बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज इस नुस्खे में मैं आपको बताऊंगी कि आप हल्दी से, जो हल्दी घर में मौजूद है, उससे आप किस तरह तीन फेस पैक बना सकते हैं। ये तीन फेस पैक मतलब ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए। तीनों स्किन टाइप्स के लिए आज मैं ज़बरदस्त आपको नुस्खे बताऊंगी, फेस पैक बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप आसानी से घर में बना सकते हैं। इन तीनों फेस पैक में ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बस दो से तीन चीज़ें चाहिए। हल्दी हर तरह की स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपकी स्किन टोन को फेयर करती है और जो आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं उसको ख़त्म करती है, एक्नी को ख़त्म करती है और अपन पोर्स को बंद करती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है हल्दी हमारी स्किन के लिए। आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अब ईद आने वाली है। ईद से पहले इस फेस पैक को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तीनों ही बहुत ही कमाल का रिजल्ट देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला फेस पैक है वो है ऑयली स्किन के लिए, जिनके चेहरे पर एक्नी और पिंपल्स हैं उनके लिए। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर हल्दी। हल्दी यहाँ पे हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, हाफ चम्मच, ज़्यादा भर के नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच बेसन और लास्ट में जब हम इसमें ऐड करेंगे वो है दही, एक चम्मच भर के दही। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस फेस पैक को आपने अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में इसको उतार देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फेस पैक है ऑयली स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा और आपकी स्किन से बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन से ऑयल को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन से ब्लैक हेड को ख़त्म करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है ऑयली स्किन वाले इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे फेस पैक की तरफ। ये जो दूसरा फेस पैक है ये है ड्राई स्किन वालों के लिए। इसके लिए भी सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी, उतनी ही जितनी हमने पहले फेस पैक में ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच भर के मिल्क और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच भर के कोकोनट ऑयल। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अपने चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर मोशन में मसाज करें हल्के हल्के हाथों से। 10 से 20 मिनट अप्लाई करने के बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लें। यह आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग बनाएगा। ये जिनकी स्किन ड्राई है वो इसको इस्तेमाल करके अपनी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बना सकते हैं। इस फेस पैक को आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे फेस पैक की तरफ। तीसरा फेस मास्क है सेंसिटिव स्किन के लिए। इसके लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है वही हल्दी, जितने हमने बाकी फेस पैक के लिए ली इतनी ही हम इसमें लेंगे, हाफ चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकम्बर। ये मैंने खीरा लिया है, उसको ब्लेंडर में डालकर हल्का सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया है। तो हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके आपने अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। 10 से 20 मिनट के बाद आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। तीनों ही फेस पैक बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपने इन तीनों को ज़रूर ट्राई करना है। ये तमाम चीज़ें आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएंगी। उम्मीद है मेरे व्यूवर्स को मेरा ये नुस्खा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने बस करना क्या है, नीचे सब्सक्राइब लिखा है इसको दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।